प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात करें बलरामपुर की तो यहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर के द्वारा रिश्वत लिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रिश्वतखोरी का यह पूरा मामला बलरामपुर जिले में वाड्रफ नगर विकास खंड के रामनगर गाँव के आंगनबाड़ी का है। वहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उर्मिला सिंह ने हमारे संवाददाता से बताया कि उनकी नियुक्ति 5 महीने पहले हुई है। परियोजना अधिकारी रघुनाथ नगर सुषमा साही के द्वारा उनसे 40,000 रुपए मांगा जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस मांग पर उनकी तरफ से 40,000 रुपए दिया भी गया है। वही पीड़िता ने बताया कि मीटिंग में सुपरवाइजर पुष्पा के द्वारा यह बोला जाता है कि पैसा नहीं दिए जाने पर उनके मानदेय से काट लिया जाएगा। इस बारे में हालांकि पीड़िता और सुपरवाइजर दोनों ही मीडिया से बात करने से बचते रहे। बताया जाता है कि महीने के आखिरी में प्रत्येक कार्यकर्ता से 120 फॉर्म चेक करने का खर्च वसूल किया जाता है। परियोजना अधिकारी द्वारा 2,000 रुपए के टीए बिल पर 600 रुपए कमीशन लिया जाता है। अब देखना होगा कि इस पूरे शिकायत के बाद आला अधिकारी दोषी अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। बताएंगे कुछ आंगनबाड़ी विभाग में तो परियोजना में या कहाँ? परियोजना में खा रहे हैं। काहे का पैसा लेते हैं? हर चीज का फार्म खरीदेंगे उसका पैसा लगेगा, फिर मीटिंग में जाएंगे उसमें पैसा लगेगा। मीटिंग का भी पैसा लेते हैं? मीटिंग में कागज जमा करेंगे उसको चेक कराने के लिए हम अपना पैसा दे रहे हैं। कौन चेक करता है? ऑफिस में बैठते हैं बाबू लोग। अच्छा है? तो बताइए 4,000। तो फार्म चेक कराने का कितना पैसा लेते हैं आप? 120 रुपए एक केंद्र से। हर माह में तो उसको कोई नहीं वहाँ चेक कर रहा है। नहीं तो मैडम जानकारी जब आप मेरे को ये मत बता दीजिए मैं उस आंगनबाड़ी में गया था तो वो आंगनबाड़ी बोली थी। नहीं नहीं मैं आपका नाम नहीं लूंगा, आपका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि ये पुष्पा मैडम आपको क्या बोली है? मत दिखाएगा किसी को, कोई आएगा तो नहीं। वो बोली हम लोग विभाग से आएंगे तब दिखाएंगे, हम लोग भी नहीं दिखाएंगे हर किसी को, जो विभाग के आएंगे उन्हीं को दिखाएंगे। क्या हम लोग का भी नौकरी से हाथ धो देंगे, कार निकाल निकल जाएगा और जो समूह से जो मिला है वो हम दिखाएंगे देंगे। तो वही तो बोल रहा हूँ, रेडी टू ईट जो आपको समूह से मिला होगा ना उसका एक पैकेट तो दिखाइए मेरे को, बस उसका क्वालिटी मेरे को देखना है, क्या है उसमें, क्या मिला रहे हैं क्या नहीं मिला रहे हैं, वो चीज देखना है ना मेरे को। ये कौन सा केंद्र, कौन सा है मैडम, कौन सा केंद्र है? रामनगर दो, रामनगर दो ना, ये नया खुला है क्या अभी? नहीं तो मैं चेक किया था, अभी तो परसों चेक किया था मैं, पंडरी में भी चेक किया हूँ, पंडरी में तो और खराब स्थिति है, यहाँ से भी। यहाँ तो आपका अच्छा लगा हुआ है, खुला हुआ है, कम से कम समय पे खुला है, बच्चे भी एक दो तो दिख रहे हैं। नहीं बच्चे अभी आएंगे नहा धो रहे हैं। नहीं आप आएंगे तो बच्चे तो आएंगे ही, अगर कार्यकर्ता आएगी तो आदमी चिल्लाने लगते है ना। नहीं ठीक है, नहीं तो ये फार्म भरने का पैसा आप लोग पढ़े लिखे हैं तो देते कहाँ हैं? अरे नहीं देंगे तो ही, इतना खा रहे उतना खा रहे भाई, 30 ग्राम चावल खिला रहे, कौन सा उसमें ज्यादा खा रहे हैं? तो परियोजना मैडम तो आप कभी दौरा पे आती नहीं? आती हैं, वो भी आती हैं। तो उनके निर्देश पे लेते हैं कि खाली इसी बाबू लोग बैठ लेते हैं? बाबू लोग बैठ लेते हैं। बाबू का नाम क्या है बताएंगे? मैं बात तो करूंगा उनसे जाके। और सीधे बोलते हैं हम लोग को यहाँ का वेतन नहीं मिलता है, कहाँ जाए हम लोग वेतन नहीं मिलता है जो काम कर रहे हैं वहाँ ऑफिस में। वो बोल रहे हैं हम लोग यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो हम लोग फालतू काम करेंगे इसे करके, तो हम लोग जो चेक कराएंगे उसका पैसा अलग से लेंगे और फार्म तो हम लोग अलग से अपना पैसा खरीद ही रहे हैं। फार्म खरीदेंगे उसको चेक कराएंगे उसमें पैसा लग रहा है, और नहीं देंगे उसको लिख के रखेंगे कि एक कार्यकर्ता नहीं दी इतना दिन का पैसा, उसको वसूल लेंगे एक दिन जब मानदेय मिलेगा तब। मानदेय में से वसूल लेते हैं? तमाशा है तो चलिए ठीक है। मानदेय कितने मिलता है आपको? अभी तो 5,000 है। 5,000 वो भी मानदेय सही समय में नहीं मिलता है, उसमें से घूस दे देते हैं। उसमें से घूस, अभी जो नया नियुक्ति हुआ है मेरा इसमें 40,000 मांगे तो मैं घूस नहीं दी ठीक ना, खाने पीने के लिए बस बोले कि दे दो, तो उस समय जो था तो ही 2-4 हजार दी ठीक ना, खाने पीने के लिए मांगी थी परियोजना मांगी ना, तो फिर आप कह रहे हैं नहीं दोगे तो साल भर मानदेय काट देंगे इसे ठीक। कौन है परियोजना नाम का होगा? सुषमा साही, तो वो बोल दी मानदेय काट देंगे, तो जब बोल रही मानदेय साल भर का नहीं देंगे तो साल भर नहीं देंगे,
घूस नहीं दूंगी, साल भर काट देंगे। तो मैं बोली साल भर मत, 12-65 हज़ार रुपया साल भर मत काटिए, कहे कि उसमें भी मेरा भी महीना का हर महीना को करूँ तब ना। अगर कुछ मिलेगा आपको भी तब तो करने का मन करेगा, मिलेगा ही नहीं बच्चे, हम उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, पढ़ाना लिखाना उनको भी है, घर भी चलाना है। तो खाने पीने के लिए कितना दिए थे उनको? 2-4 हज़ार ज्यादा नहीं, कहाँ से पैसा उतना हो पाएगा गरीब आदमी का। मैडम पढ़ाई उसका 12वीं है 10वीं? मेरा है 12वीं। 12वीं है ना, तो मेरिट बेस पे होता है ना नियुक्ति इसमें तो। फिर कैसे इसे पता नहीं, फिर घूस बिना हो ही नहीं सकता है, फिर नियुक्ति सहायिका नियुक्ति के लिए हो ही नहीं पा रहा है, अभी तक हुआ है 5 महीना हो गया है। INN24 के लिए बलरामपुर से देवेश दुबे की रिपोर्ट।